Hello, 10th and 12th class CBSE students. I want your attention. We have something that you really want at this time. You can achieve 100% marks in mathematics in board exam just by the practice of our chapter-wise important questions and 10 latest sample question papers. Just download RB Classes app or visit www.rbclasses.in. Call us for any query 9411990768. इस क्वेश्चन में आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वो रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो दो प्लेन के परपेंडिकुलर है. इन दोनों प्लेनों के क्या है? परपेंडिकुलर प्लेन है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सॉल्यूशन देखिए, आपको एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है. इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, ये प्लेन दे रखा है आपको. रिक्वायर्ड प्लेन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है. और एक दूसरा प्लेन दे रखा है आपके पास, ये रिक्वायर्ड प्लेन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है. तो वो प्लेन कहां होगा? वो प्लेन ऐसा होगा कुछ थोड़ा सा. ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है. इस प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है. ये प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है और ये प्लेन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है. ध्यान रखें, इस प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स प्लस टू बाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फाइव. इसका नॉर्मल होगा ये नॉर्मल हम एन वन पता कर सकते हैं. मान लेता हूं इसका नॉर्मल एन वन है. इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आपको, इसकी इक्वेशन दे रखी है आपको थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो. इस प्लेन की इक्वेशन है, इसका नॉर्मल ये होगा. मान लेता हूं ये नॉर्मल एन टू है. इस प्लेन के नॉर्मल को हम एन मान लेते हैं. ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब है कि ये एन वन इस एन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. ये प्लेन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है. इसका मतलब है एन टू भी एन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. हमें एन वेक्टर निकालना है. हमें एन वन वैक्टर दे रखा है और एन टू वैक्टर दे रखा है. इन दोनों वैक्टरों के परपेंडिकुलर वैक्टर चाहिए हमें. हमारे पास ये दो वैक्टर दे रखे हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर वैक्टर चाहिए. कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये वेक्टर चाहिए, एन चाहिए, ये एन चाहिए. यदि हम एन वन और एन टू इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो एक वेक्टर आ जाएगा जो इन दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. वही इस प्लेन का क्या होगा? नॉर्मल होगा. लेट मैं मान लेता हूं ये प्लेन पाई वन है, इसको पाई टू नाम दे दूं और इसे पाई लिख लेता हूं. लेट नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज एन. नॉर्मल ऑफ पाई वन प्लेन, इसका नॉर्मल क्या हुआ? एन वन. यहां पर जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट हैं वो इस नॉर्मल के क्या होते हैं? डायरेक्शनल इश्यू होते हैं. तो यहां से एन वन क्या हो जाएगा? एन वन हो जाएगा वन आई प्लस टू जे प्लस थ्री के. वन आई प्लस टू जे प्लस थ्री के नॉर्मल ऑफ प्लेन पाई टू. मान लेता हूं इसका नॉर्मल एन टू है. ये एन टू वेक्टर क्या होगा? यहां पर जो आई जे के कोफिशियंट है इस नॉर्मल के क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो होंगे. तो क्या बन जाएगा एन टू यहां से? यहां से एन टू बन जाएगा थ्री आई प्लस थ्री जे प्लस के. अब हमें
एक एन वेक्टर निकालना है, और ये एन वेक्टर जो है वो इन दोनों वेक्टरों के क्या है, परपेंडिकुलर है। एन वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू एन वन एंड एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या है, एन टू है। ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब है ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग है कि एन टू जो है वो एन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तब हम एन कैसे निकालेंगे, एन वेक्टर निकालेंगे कि हम एन वन क्रॉस क्या करते हैं, एन टू करते हैं, इन दोनों वेक्टरों को क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। जब हम दो वेक्टरों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर आता है जो उन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप एन वन क्रॉस एन टू करिए, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आई जे और के, आई जे के लिख लिया, अब एन वन, एन वन वैक्टर में आई जे के ऑप्शन लिखेंगे वन टू और थ्री, यहाँ लिखेंगे वन टू और थ्री, फिर लिखेंगे हम एन टू वेक्टर में आई जे कोएफिशिएंट थ्री थ्री और वन, थ्री थ्री और वन, इतना आ गया। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें एन वेक्टर पता लग जाएगा, एन वेक्टर का मतलब है इसका नॉर्मल पता लग जाएगा, ये नॉर्मल पता लग जाएगा इस रिक्वायर्ड वेक्टर का। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आई इसका मल्टीप्लाई करने तो कितना आएगा, टू माइनस नाइन माइनस जे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, वन माइनस नाइन प्लस के, यह आएगा थ्री माइनस सिक्स। इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपको एन वेक्टर पता लग जाएगा, एन वेक्टर क्या होगा, यह आएगा माइनस सेवन आई प्लस एट जे और माइनस थ्री के। इस वेक्टर का क्या निकल के आ गया, नॉर्मल निकल के आ गया। इस पर क्या दे रखा है आपको, एक पॉइंट और दे रखा है, मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, इसे कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको, इधर रखें माइनस वन थ्री और टू, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट दे रखें, इसका पोजीशन वेक्टर पता कर सकते हैं हम, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस टू के, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका नॉर्मल पता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, प्लेन पर एक पॉइंट पता है आपको और नॉर्मल पता है, इक्वेशन प्लेन क्या होती है, इक्वेशन प्लेन होती है आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। आप इसे एक बार कॉपी कर लिए फिर मैं बताता हूँ आपको। हमने इसका नॉर्मल निकाल लिया है रिक्वायर्ड प्लेन का, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, मान लेता हूँ इसका पोजीशन वेक्टर ए है तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर आई जे के लगा लीजिए आप, यह आ जाएगा माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस टू के। इसका नॉर्मल क्या दे रखा है आपको, नॉर्मल दे रखा है आपको माइनस सेवन आई प्लस एट जे, सॉरी नॉर्मल आप निकाला है दे रही रखा है, आपने एन निकाल लिया था, एन कैसे निकाला था, एन वन क्रॉस एन टू करके माइनस थ्री के। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जो प्लेन पाई है उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। आर माइनस ए, ए क्या है, ए आपके पास माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस टू के डॉट एन, एन आपके पास माइनस सेवन आई प्लस एट जे माइनस थ्री के इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। चाहे तो आप थोड़ा और सॉल्व कर लें इसे, इसे लिख सकते हो आप आर डॉट, इसका डॉट ऐसे हो जाएगा माइनस सेवन आई प्लस एट जे माइनस थ्री के माइनस, इन दोनों का डॉट करेंगे, इसका डॉट इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा सेवन, इसका करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी फोर, और ये आ जाएगा माइनस का सिक्स इक्वल टू कितना आएगा जीरो। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आर डॉट माइनस सेवन आई प्लस एट जे माइनस थ्री के, और ये हो जाएगा आपके पास ट्वेंटी फाइव। चाहो तो आप ट्वेंटी फाइव को इधर ले जाइए, ये आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। आप इसका कार्टेशियन फॉर्म लेना चाहते हो तो इस आर की जगह क्या ले सकते हो आप, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आप रखिए यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट माइनस सेवन आई प्लस एट जे माइनस थ्री के इक्वल टू कितना होगा 25। सॉल्व कर लीजिए तो यह हो जाएगा माइनस सेवन एक्स प्लस एट वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात, दो प्लेन के परपेंडिकुलर आपको प्लेन चाहिए था,
ये प्लेन इसके ही परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये प्लेन इसके ही परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि हमें एक वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ये वेक्टर चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, एन वन क्रॉस एन टू करेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, एन पता लग जाएगा। जब हमें इसका नॉर्मल पता लग गया और एक पॉइंट दे रखा है तो इक्वेशन प्लेन क्या होती है, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। आप इसे कॉपी कर लीजिए। हेलो 10th एंड 12th क्लास सीबीएसई स्टूडेंट्स, आई वांट योर अटेंशन। वी हैव समथिंग दैट यू रियली वांट एट दिस टाइम। यू कैन अचीव 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन बोर्ड एग्जाम जस्ट बाय द प्रैक्टिस ऑफ अवर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 10 लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। जस्ट डाउनलोड RB Classes app or visit www.rbclasses.in. Call us for any query 9411990768.